नमस्कार। बिहार में पलटू चाचा की एनडीए सरकार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नीतीश संघ सरकार बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी का दांव फेल हुआ। बहुमत परीक्षण से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी के बीच फंस गया पेच। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अटका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। बिहार की एनडीए सरकार में नई चुनौती खड़ी, फ्लोर टेस्ट की डेट बढ़ी। 28 जनवरी को जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई और तुरंत प्रभाव से ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली। यानी चट इस्तीफा और पट सीएम गद्दी शपथ ग्रहण के आधार पर नीतीश बाबू ने एनडीए के इशारे पर काम पूर्ण किया। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के बाद नीतीश सरकार के पास बहुमत है भी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने पलटू चाचा की सरकार में दो विधायकों को मंत्री बनाने की शर्त बीजेपी आलाकमान के सामने रख दी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में पटना से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बिहार की राजनीति में हो रही इस उथल पुथल को 5 संकेतों से समझा जा सकता है, जिसमें पहले संकेत के अनुसार जीतन राम मांझी ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले अपने दो विधायकों को मंत्री पद देने की शर्त नीतीश सरकार के सामने रख दी है, जिसमें मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि महागठबंधन का दरवाजा भी हमारे लिए खुला हुआ है, जहां जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की गद्दी का ऑफर मिला हुआ है। यानी एनडीए की नीतीश सरकार में दो मंत्री पद नहीं मिले तो फिर कुछ भी संभव है। दूसरे संकेत अनुसार बिहार विधानसभा के स्पीकर पवन बिहारी चौधरी आरजेडी से हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर को दिया जा चुका है, इसके बावजूद अभी तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। यानी विधानसभा में स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग होगी, जिसमें एनडीए को बहुमत साबित करना होगा, जिसका मतलब साफ है कि लालू खेमे द्वारा पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। और तेजस्वी यादव के दावे अनुसार उनकी बंद मुट्ठी में कुछ विधायक हो सकते हैं जो नीतीश सरकार के खिलाफ वोट कर दें। तीसरे संकेत के अनुसार बिहार की नीतीश सरकार ने 10 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाया, लेकिन आनन फानन में इस तारीख को बढ़ाकर 12 फरवरी कर दिया गया। यानी बिहार की भाजपा समर्थित नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक है तो फिर विधानसभा सत्र की तारीख 2 दिन आगे क्यों बढ़ाई गई? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दावा किया था कि 10 फरवरी को एनडीए सरकार का विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे, बावजूद इसके तारीख आगे बढ़ा दी गई, जिसका मतलब साफ है कि बिहार में एनडीए की नीतीश सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 विधायक जुटाने में अभी और वक्त लग सकता है। चौथे संकेत के अनुसार बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। अगर एनडीए की नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल अभी तक लटकी और अटकी क्यों है? कहीं जेडीयू और एनडीए सहयोगी दलों में अंदरखाने कोई खींचतान तो नहीं चल रही है? क्योंकि जेडीयू और भाजपा नेताओं की मंत्रिमंडल विस्तार पर चुप्पी साफ इशारा कर रही है कि बिहार की नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पांचवें संकेत के अनुसार फ्लोर टेस्ट से ठीक पूर्व जेडीयू विधायकों का तेजस्वी प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है। जदयू विधायक गोपाल मंडल के तेवर पूरी तरह से बदले हुए हैं और वो खुल्लम खुल्ला तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं। तेजस्वी के निर्दोष होने की जदयू विधायक गारंटी दे रहे हैं। ऐसे में जदयू विधायक के बदले बदले सुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लालू खेमे की तारीफ करने वाले जदयू विधायकों की संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने बिहार से अपने सभी 16 विधायकों को हैदराबाद के एक रिसोर्ट में कैद करने का फैसला ले लिया है। बता दें आपको कि पहले इन कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली बुलाया गया और वहां से कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद के एक रिसोर्ट में कैद कर दिया गया, क्योंकि बिहार कांग्रेस के विधायकों की टूट का डर आलाकमान को सताने लगा है, जिसके चलते कांग्रेस ने अपने सभी 19 विधायकों को बिहार से हैदराबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया। लेकिन बिहार कांग्रेस के 3 विधायक अभी भी हैदराबाद के रिसोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। आपको याद ही होगा कि जब एनडीए सरकार बनाने को लेकर के चर्चाएं तेज थी, नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने
की चर्चाएं तेज थी, तब एक खबर आई थी कि कांग्रेस के 10 विधायक पार्टी को छोड़कर के एनडीए का दामन थामना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस के 10 विधायक किसी भी वक्त टूट करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसी डर के चलते कांग्रेस आला कमान ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में एक रिसोर्ट में कैद करने का फैसला लिया। जिस तरह से झारखंड के विधायकों को, यानी कांग्रेस के जो झारखंड में विधायक थे, उन सभी विधायकों को हैदराबाद के एक रिसोर्ट में ठहराया गया था, उसी तरह से अब कांग्रेस ने अपने बिहार के सभी 19 विधायकों को हैदराबाद के रिसोर्ट में ठहराने का फैसला लिया है। और इन 19 विधायकों में से 16 विधायक हैदराबाद पहुंच भी चुके हैं, यानी कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इन विधायकों को एक रिसोर्ट में कैद करके रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। ऐसे में लालू के लाल तेजस्वी यादव का दावा कि खेला अभी बाकी है, इस शब्द ने बिहार पॉलिटिक्स में हड़कंप मचा कर रख दिया है कि बिहार की नीतीश सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने वाली बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान कोई बड़ा खेला होने की आशंका भी जताई जा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव पूर्व में भी कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत परीक्षण करना होगा, उस दिन हम असली खेला खेलेंगे। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव दबाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि बिहार की नीतीश सरकार पर दबाव की राजनीति करने में तेजस्वी यादव कामयाब हो जाए और कोई ऐसा गलत कदम उठा दे जिसके बाद महागठबंधन को बहुमत साबित करने के में आसानी हो जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दबाव की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं उसके अनुसार जदयू के एक विधायक द्वारा तेजस्वी यादव का गुणगान करना, एक तरह से जो तेजस्वी प्रेम है वो उनके सिर चढ़कर बोलना, ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि जदयू के कुछ विधायक हैं वो महागठबंधन यानी कि आरजेडी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, और इसी का डर नीतीश कुमार को भी सता रहा है। इसी बीच जो महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, तो कांग्रेस को भी लग रहा है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के 10 विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की खबरें पूर्व में भी आ चुकी है। इसलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद के एक रिसोर्ट में कैद करने का फैसला लिया, जिसमें 16 विधायक अब तक हैदराबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन 3 विधायक अभी भी बिहार में ही मौजूद हैं। इन विधायकों को पहले कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली बुलाया और वहां से डायरेक्ट बाई एयर है वो उनको हैदराबाद के एक रिसोर्ट में कैद करके छोड़ दिया। इसी तरह से अब जेडीयू विधायकों को लेकर के, कांग्रेस के विधायकों को लेकर के और इसके अलावा लेफ्ट के कुछ विधायकों को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में नीतीश सरकार को लेकर के कोई कह सकते हैं कि बड़ा खेला हो सकता है। तेजस्वी यादव ने दावा भी किया है कि जिस दिन बहुमत परीक्षण करना होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उस दिन हम असली खेला करेंगे। फिलहाल बिहार की इस राजनीति को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या नीतीश सरकार 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित कर देगी? क्या तेजस्वी यादव किसी तरह का खेला नीतीश कुमार का बिगाड़ देंगे 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान? क्या कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों में टूट हो सकती है? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।